हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम इस पैनल मॉडलिंग वाले पैनल में जो एक्सट्रूड के साथ बाकी की कमांड्स हैं वो यूज़ करना सीखेंगे। एक्सट्रूड हम पहले देख चुके हैं, जो अगली कमांड इसके ऊपर है वो है लॉफ्ट की कमांड। तो उसके लिए मैं पहले कुछ बेसिक ड्राइंग करूँगी। एक सर्कल में पहले ड्रॉ कर रही हूँ मैंने सेंटर बता के, और एक सर्कल किसी भी डायमेंशन का यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब मैं इसी सर्कल को कॉपी करती हूँ, सेंटर से उठाऊँगी और थोड़ा ऊपर इसके ऑर्थोन कर लेते हैं हम, यहाँ पे प्लेस किया और एक मैंने मान लो यहाँ पे प्लेस किया। ऊपर वाले सर्कल को मैं थोड़ा सा स्केल डाउन करूँगी, इसकी ग्रिप को पकड़ के मैं थोड़ा अंदर की तरफ लेके जाऊँगी और ऐसे छोड़ दूँगी, एस्केप कर दूँगी। और इस वाले को भी मैं थोड़ा सा स्केल डाउन करूँगी, इस तरीके से एस्केप कर दूँगी। इसको मैं एक बार कॉपी कर लेती हूँ ताकि मैं लॉफ्ट के दूसरे ऑप्शंस भी आपको बता सकूँ। यहाँ पर रख लेते हैं इसको। अब हम लॉफ्ट कमांड ले लेते हैं यहाँ से, लॉफ्ट कमांड आइकन पे क्लिक करके। अब ये क्या पूछ रहा है नीचे, सिलेक्ट क्रॉस सेक्शन इन लॉफ्टिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले चलो इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर इसको और फिर इसको, और एंटर कर देते हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे भी एंटर करना है, तो दो बार एंटर प्रेस करेंगे। तो क्या हुआ, उसने उस मेरे क्रॉस सेक्शन को गाइडेंस मानते हुए यहाँ पे एक सॉलिड क्रिएट करके दे दिया। अब मैं इसको अंडू करती हूँ, यहाँ पे मैं वापस से लॉफ्ट की कमांड लेती हूँ। अब मैं ऑर्डर चेंज कर दूँगी, मैं पहले ये वाला लूँगी, फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, फिर मैं बीच वाले को सिलेक्ट करूँगी। तो अब क्या हुआ, है तो शेप वही, लेकिन अब ये सॉलिड तो है, लेकिन ये उसने ऊपर से इसको हॉलो कर दिया बीच वाले सर्कल के लेवल तक। तो इस तरीके से आप लॉफ्ट कमांड को यूज़ करते हो। मैं यहाँ से वापस से अपने स्टैंडर्ड व्यू पे आ जाती हूँ, इसको अंडू करती हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंट करके देखते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। अब वापस से हम लॉफ्ट कमांड लेते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर इसको, फिर इसको। तो यहाँ पे अब कुछ और शेप आपको बन के मिला है। दो बार एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल जेड करते हैं। यहाँ पे मान लो मैं एक सर्कल और ऐड कर देती हूँ इसके ठीक नीचे, कॉपी कर देती हूँ मैं यहाँ से, मान लो इस लेवल पे मैंने कॉपी कर दिया। और इसका थोड़ा साइज हम चेंज कर देते हैं, इसका हल्का सा इसको बड़ा कर देते हैं। अभी चार मेरे पास पाथ हैं, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, और एंटर और एंटर। तो यहाँ पे आप देखो कि फिर शेप चेंज हो गया। तो जैसा आप शेप रखोगे उस हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से उठा के यहाँ साइड को मूव करा देती हूँ। एक बात इसमें नोट करने वाली है कि अगर ये एक्स वाई के परपेंडिकुलर आप ये सब बना रहे हो, अगर आप ये तीनों या जितने भी शेप आप बना रहे हो वो सब अगर आप बिल्कुल एक ही लेवल पे बना दोगे, मान लो जीरो लेवल पे बना दिए, तो वो कभी भी लॉफ्ट नहीं करेगा। वो जेड में अलग अलग डिस्टेंस पे होने चाहिए, तभी वो उसको कन्वर्ट करेगा लॉफ्ट में। यहाँ पे मैं पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करती हूँ, फिर दूसरा, और फिर मैंने तीसरा सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे एंटर एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा शेप क्रिएट हो गया। अक्सर इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब आप मान लो यहाँ पे सर्कल बना रहे हो, ठीक है, आपने एक सर्कल यहाँ पे ऑर्थो ऑफ है, ठीक, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, फिर मैंने इसी सर्कल को मैंने ऐसे कॉपी करा और मैंने कहा कि मैं यहाँ से उठा रही हूँ इसको, कहीं से भी उठा लो। एक बार यहाँ कर देती हूँ कॉपी, और एक बार मान लो मैं यहाँ पे कर देती हूँ कॉपी, ठीक है। अब मैं कोशिश करती हूँ लॉफ्ट करने की, ये, फिर ये, फिर ये, और फिर एंटर, फिर एंटर, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब मैं बना रही थी इसको तो देखने से तो मुझे लग रहा था कि मैं इसको इसके ऊपर रख रही हूँ और इसको इसके ऊपर रख रही हूँ, मतलब एक के ऊपर एक, मुझे ऐसे तो दिखाई दे रहा, लेकिन एक्चुअली ये एक के ऊपर एक बना ही नहीं है। अगर मैं इसको आपको ऑर्बिट करके दिखाऊँ तो आप देखो ये बिल्कुल फ्लैट टू द ग्राउंड पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको इनिशियली बनाया था तो मैंने इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया। एक तो मैंने ऑर्थो ऑफ कर रखा था, चलो ऑर्थो ऑफ था, लेकिन मैं अगर थोड़ा रेफरेंस लेके इसको प्लेस करती तो भी शायद मेरा काम चल जाता, लेकिन मैंने दोनों ही सिचुएशन को थोड़ा इग्नोर कर दिया, तो चीज़ बनी ही नहीं जैसे बननी चाहिए थी। ग्राउंड के पैरेलल बनी हुई है बिल्कुल, मतलब पैरेलल तो ठीक है, कोई आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस नहीं है। अगर मैं इसको अभी मान लो मैं ऑर्थो ऑन कर देती हूँ और मैं इस वाले शेप को यहाँ जेड में मूव करा देती हूँ इतने ऊपर, ठीक है, और मैंने एस्केप किया और इस वाले ऑब्जेक्ट को भी मैं
जेड में मूव करा देती हूँ इस तरह। अब ये क्या हुआ, अब मैं अगर ऑर्बिट करके दिखाऊं तो ये तीनों अलग अलग लेवल पे हैं। अब हम ट्राई करके देखें अगर तो कुछ निकलेगा। अब मैं इसको लॉफ्ट कराने की कोशिश करती हूँ, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। तो डेफिनेटली ये करने ही वाला था लॉफ्ट, क्योंकि अब कोई गलती नहीं है इसके अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लॉफ्ट करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप इसको जेड में थोड़ा सा अलग अलग हाइट पे प्लेस करो, तभी वो लॉफ्ट करेगा जेड में। या अगर मान लो आप ऐसे में भी, मान लो मैं आपको बताऊँ, इसको मैं कस्टम की जगह कर देती हूँ वापस से साउथ ईस्ट में, और यहाँ पे मैं इसको एक्स वाई को मैं फ्रंट के पैरेलल बना देती हूँ यहाँ पे से। ठीक है, अब मैं एक सर्कल बनाती हूँ यहाँ पर। तो अब क्या है, अब मेरे को यहाँ हाइट में नहीं करना है इसको प्लेस। अब मेरे को अगर मान लो मेरा सर्कल ऐसे और मेरे को ऐसे में कोई शेप लेना है, तो मुझे फिर जो कुछ भी बनाना है वो इसके डिस्टेंस में बनाना है, यहाँ से दूर होना चाहिए। मतलब इससे डायरेक्शन इसकी ऐसे में हो और थोड़ा डिस्टेंस भी हो ये ऐसे। अब मैं इसको ऑर्बिट करके भी देख लेती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं, अभी भी ये गलत बना हुआ है। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पकड़ के इस ग्रीन वाली एक्सिस पे इसको मूव कराना पड़ेगा। ऐसे ही इसको भी मेरे को पकड़ के ग्रीन वाली एक्सिस पे ऐसे मूव कराना पड़ेगा। अब अगर मैं करके देखूँ लॉफ्ट तो होगा क्या, देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको सबको अंडू कर देती हूँ और मैं इसका प्लेसमेंट चेंज नहीं करती, ये बिल्कुल एक ही लेवल पे है। ठीक है, अब मैं इसको लॉफ्ट करने की कोशिश करती हूँ तो ये बिल्कुल भी लॉफ्ट नहीं होगा, क्योंकि आप देखो बिल्कुल एक साथ एक ही फेस पे, एक्स वाई फेस पे ये बना हुआ है, तो ये कैसे उसको लॉफ्ट कर ही नहीं सकता। और शेप कोई भी हो सकता है, लॉफ्ट कमांड के लिए ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप सर्कल या कोई ऐसा ही शेप लो। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे पॉली लाइन कमांड से और यहाँ पे एक आर्क ले लेते हैं, लाइन लेते हैं वापस से, और इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ ऐसे क्लोज। अब मैं एक सर्कल बनाती हूँ इसी के रेफरेंस में, थोड़ा इससे दूर बना लेते हैं ताकि हमें मूव कराने की ज़रूरत ही ना पड़े, पहले ही हम उसको उससे डिस्टेंस मेंटेन करके उस एक्सिस पे बना देते हैं। ठीक है, और एक मैं बनाती हूँ रेक्टेंगल, वो भी मैं रेफरेंस लेकर ही बनाऊंगी ताकि गलती ना हो हमसे और हमें बाद में दोबारा से मूव ना कराना पड़े। अभी एक के पीछे एक के पीछे एक है। अब मैं इसको लॉफ्ट करके देखती हूँ क्या होता है। ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, तो क्या बन रहा है हमारे पास वो हम देखते हैं। इसको हम ऑर्बिट करके देखेंगे तो आप देखोगे उसने तीनों जो शेप हैं उनको मर्ज करके एक 3D आपको क्रिएट करके दे दिया। तो शेप कोई भी हो सकता है जिसे आप लॉफ्ट करा सकते हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसे ट्राई करो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और मैं आपको ज़रूर उसका सोल्यूशन बताऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक्स अ लॉट।